मतलब वही वाली बात है कि भाई अगर आपके हाइट 5'4" से कम है, 5'2" 5'1" के अराउंड है, तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है आपको FZX चलाने में। वेलकम बैक टू अवर फ्रेश वीडियो दोस्तों। जैसे तुम देख रहे हो भाई, दोनों तरफ मेरे खड़ी भाई यामाहा की बेहतरीन बाइक्स। एक है भाई FZS V3 वाली जो बेसिक्स आई है, और ये हमारी FZX जो अभी ये 2021 मॉडल है, एकदम बेहतरीन वाली। तो भाई अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि यार मतलब सीट हाइट कंपेरिजन करो, इसका सीट हाइट क्या है क्या नहीं है। तो भाई इस वीडियो में आपको सीट हाइट कंपेरिजन देखने को मिलेगा। भाई मेरी हाइट है 5'4". आपको अगर मेरी प्रीवियस वाली काफ़ी सारी वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ऑलरेडी। तो भाई सबसे पहले हम इस पर बैठ के देखते हैं, सीट स्टैंड से हटा लेते हैं पहले, ठीक है, बाइक को इसमें बैठ के देखते हैं भाई कि पैर मेरे कितने पहुंच रहे हैं और कहां तक मतलब मैं कंफर्टेबली चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। भाई देख रहे हो तुम, आराम से मतलब जो है आराम से मेरे पैर पहुंच रहे हैं आराम से, और अगर मैं एक पैर टिकाना चाहूं तो मेरा पूरा पैर भी नीचे टिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंकल भी नीचे टिक गया, मेरा टो भी नीचे टिक गया है। तो उसकी सीट हाइट मैं आपको बता दूं भाई, 790 mm की सीट हाइट। एंड अब हम इस पर बैठेंगे, एक बार सामने से देख लेते हैं, सामने से दिखा दो जनता को। 5'4" वाला बंदा बाइक पर बैठता है FZX पे तो कैसा मतलब सटीक पोस्चर बैठता है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंटली बंदा बैठा है। और अब जो है हम FZX पे बैठ के देखते हैं, सिविल डबल स्टैंड पे लगा रखी थी हमने, तो ये सब हम हटाते हैं यहाँ से। एक्चुअली भाई मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि ये बाइक ज़्यादा लाइटर है इससे, आई थिंक 139 kg की है और थोड़ा सा ये ज़्यादा है 139 kg से, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो भाई देखो यहाँ थोड़ा सा मैं फील कर पा रहा हूँ कि हाँ भाई सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है, और एक्चुअल में भी अच्छा यही है, 810 mm सीट हाइट मिलती है इसमें आपको। देख रहा हूँ दोनों पैर मतलब अगर मैं नॉर्मल बैठा हूँ तो मेरे पास टू ही टच हो पा रहा है दोनों पैरों के, एंगल टच नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, और अगर हम एक पैर टिकाने की कोशिश करूँ तो एक पैर बोला हमारा ढंग से टिक नहीं पाएगा। तो मतलब वही वाली बात है कि भाई अगर आपके हाइट 5'4" से कम है, 5'2" 5'1" के अराउंड है, तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है आपको FZX चलाने में। FZX तो आराम से चला दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें थोड़ा दिक्कत होगी, वो भी अगर यार अगर पुराने राइडर हो तो कोई इशू नहीं होने वाला है तमड़ा कुछ। तो भाई आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसमें। तो इसकी भाई हाइट मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी, FZX की जो है 810 mm मिल जाती है आपको। एक बार रुक जाओ, वैसे आपको नई नई बाइक है तो भाई थोड़ा इग्निशन ऑन करके दिखा देते हैं आपको। इस बाइक का वो कंप्लीट जो है देखना है, रिव्यू अराउंड वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बना रखी है इसकी। देखो शायद पहले ये आएगी, अराउंड पहले कौन सी आएगी देख लेना, चैनल में मिल जाएगी आपको। तो बस सीट हाइट के रिगार्डिंग डोंट थिंक आपको कोई जो है डाउट होने वाला है, कुछ भी डाउट होता है तो उसके बावजूद भी तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो सबके रिप्लाई करता ही हूं मैं। एंड या भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन छिप छिप तुर दिया फेम अजकल, आउंदा है 17 विच नेम अजकल, तेरे करके गाने साडे नहीं चलते, लंडू लाउंदे मेरे ते बले अजकल।